वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का पार्ट 11, जिसमें मिलेंगे आपको टोटल 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदों के समय कितने प्रकार के कर थे? चंदों के समय जो थे वह 36 रकम और 32 कलम प्रकार के कर थे। अगला क्वेश्चन है, चंदों के समय एक जूला किसके बराबर हुआ करता था? तो वह होता था 10 कुंतल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, अब हम चंद शासन के करों के बारे में देखेंगे कौन कौन से कर लगते थे। तो पहला कर है जूलिया। जूलिया कर जो था आपका पुलों पर लगने वाला, एक नदी के जो पुल थे उन पर लगने वाला कर था। इसे सांगा भी कहते थे। क्या? इसे सांगा भी कहते थे। जूलिया जो है आपका नदी के पुलों पर लगने वाला एक कर था। अगला कर था सिरती। सिरती जो था ये एक नगद कर हुआ करता था, जो प्राय माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। अगला है बैकर। बैकर जो है यह अनाज के रूप में देय कर था। इसे याद रखने के लिए आप एक अज्यूम कर सकते हैं, जैसे बैकरी, बैकरी में आप कुछ खाते हैं तो वह बनी होती है अनाज से, तो अनाज के रूप में देय कर जो था बैकर, इस प्रकार से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। अगला है राखिया। राखिया जो है यह सावन के महीने रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाने वाला एक कर था। अगले कर पे चलते हैं, वह है कूत। कूत जो कर था वह नगद के बदले दिया गया अनाज वाला एक कर था। मतलब कर के बदले जो मतलब हम लोग जो नगद के बदले जो है अनाज के रूप में जो कर देते थे वह एक प्रकार का कूत था, जबकि बैकर जो था वह अनाज के रूप में दे करता। मतलब बैकर जो करता वो आपको अनाज के रूप में ही देना था, लेकिन जो कूत था वह आपको नगद के बदले देना था। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है। बैकर जो था वह अनाज के रूप में था, मतलब जो आपने जो कर देना था वह अनाज के रूप में ही देना था, लेकिन जो कूत था आपका टैक्स तो नगद में था लेकिन आपने दिया है वो अनाज के रूप में, तो उसके ऊपर भी एक टैक्स लगता था, इसका नाम था कूत। अगला है भेंट। यह कर दिया जाता था राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। अगला कर है मांगा। मांगा युद्ध के समय लिया जाने वाला एक कर था। अगला कर है साहू और रतंगली। साहू और रतंगली यह दो प्रकार के कर जो थे वह लिए जाते थे लेखकों को, लेखकों को दिया जाते थे, मतलब लेखक को दिए करते थे साहू और रतंगली। अगला था खेनी कपिलनी। खेनी कपिलनी जो था यह कर कुली बेगार से दिया जाता था, कुली बेगार के लिए मतलब। अगला कर है कटक। कटक होता है सेना के लिए लिया गया कर। कटक का मतलब ही होता है सेना, तो यह सेना के लिए लिया गया कर था। अगला कर है शुक। यह लिया जाता था राज सेवकों के लिए। अगला कर है कमीनचारी या सयानचारी। किसानों से लगान वसूल करने वालों व सयानों को देय करता कमीनचारी या सयानचारी कर। अगला कर है सीखदारने की। ये परगना अधिकारी को देय करता। अगला था कनक। कनक का मतलब होता है स्वर्ण, तो सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला एक कर था। इसका उल्लेख जो है मुनाकोट ताम्रपत्र में भी है, ठीक है। अगला था हिलियानी अधूल। यह लिया जाता था बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हिल मतलब पहाड़ में, पहाड़ की सड़कें और धूल, धूल मिट्टी मतलब सड़क में होती है, तो धूल मिट्टी कब होगी जब सड़क ख़राब होगी, और सड़क ख़राब है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो बरसात में सड़कों के लिए की मरम्मत के लिए जो कर लिया जाता था वह था हिलियानी अधूल। अगला कर था डाला।
या गांव के सयाने का अनाज के रूप में देया करता। अगला कर था मिझारी। मिझारी कर जो था कामगारों से लिया जाने वाला एक कर था, मिझारी कर। ठीक, अगला कर है तान कर या टांड कर। यह कर जो था सूती एवं ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला एक कर था। तो आज हम देखे चंद्रकाल के कुछ कर। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवाइज।